बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे और ये हमारी सीरीज का पार्ट 76 है। इस वीडियो में हम आपको तमाम सेंटेंसेस उर्दू, रोमन इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में बताएंगे। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आज ही आप हमारे चैनल पर विजिट करके शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट से वो तमाम पार्ट्स बहुत इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारे पास वो है, तुमने मेरे मन की बात कही। यू स्पोक माई माइंड। यू स्पोक माई माइंड। मैं हमेशा ऐसी रहूंगी। आई विल रिमेन सेम फॉर लाइफ लॉन्ग। आई विल रिमेन सेम फॉर लाइफ लॉन्ग। मैं उसकी चाल समझती हूँ। I understand her trick. I understand her trick. मैं तुम्हें याद करती रही। I kept missing you. I kept missing you. इतनी जलन सही नहीं है। दिस मच जेलसी इज नॉट गुड। दिस मच जेलसी इज नॉट गुड। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। Your face got red. Your face got red. थोड़ी सी शर्म करो। Feel a bit shy. Feel a bit shy. देखो मुझे गलत मत समझना। लुक डोंट गेट मी रॉन्ग। लुक डोंट गेट मी रॉन्ग। ये झूठा पानी है। इट इज सिप्ड वाटर। It is sipped water. इसे मत पियो। Don't drink it. Don't drink it. इस बात को खत्म करो। End this conversation. End this
कन्वर्सेशन। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, बिफोर आई गेट फ्यूरियस। बिफोर आई गेट फ्यूरियस। इसका अपना ही मजा है, इट हैज इट्स ओन फील। It has its own feel. मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। I am slave of my habits. I am slave of my habits. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको तमाम शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बहुत अच्छे से मालूम हो गए होंगे और आपने इन्हें नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स अब तक नहीं देखे हैं तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट करके आप शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस की प्ले लिस्ट से वो तमाम पार्ट्स ईजिली वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मजीद एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।